नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर इमरान अली रिजवी है एंड मैं माइंड मैटर्स के साइड से एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। काफ़ी केसेस मैंने देखे हुए हैं हेयर के केस में एंड अक्सर लोगों को एक सवाल आता है कि मिनोक्सिडिल क्या है एंड मिनोक्सिडिल यूजेज कैसे करना है। सो ये वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मिनोक्सिडिल क्या होता है, इसको किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह यूजेज होता है, क्या रिस्पॉन्स आपको देखने मिलेगा और कितने टाइम में देखने मिलेगा। तो इस तरह के काफ़ी जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर लोगों को ये डाउट्स रहते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मिनोक्सिडिल क्या चीज़ है, तो ये वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज़ मिनोक्सिडिल? तो मिनोक्सिडिल इज़ बेसिकली एक FDA अप्रूव मेडिकेशन विच इज़ फॉर यूज फॉर एलोपेशिया, दैट इज़ बेसिकली हेयर फॉल। एंड ये करता क्या है, ये एक ब्लड वेसल डायलेशन करता है स्कैल्प में, दैट इज़ वेजो डायलेशन करता है। और उससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स के नाम की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड पहुँचता है तो उनका ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स की जो हेयर रीग्रोथ की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। नाउ इसको काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दिमाग जो होना चाहिए वो ये कि हेयर फॉलिकल को जिंदा होना चाहिए। अगर हेयर फॉलिकल कम्प्लीटली ड्राई अप हो चुकी है या सूख चुकी है तो देन मिनोक्सिडिल के काम करना चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम रिकमेंड करते हैं तो हम पहले ये इवैल्यूएट करते हैं कि हेयर फॉलिकल अभी भी वायबल है या कम्प्लीटली ड्राई अप होकर मर चुकी है। नाउ कमिंग टू मिनोक्सिडिल, सो अब इसका टिपिकली यूजेज हम रिकमेंड जो करते हैं वो या तो वंस डेली यूजेज रिकमेंड होता है या ट्वाइस डेली रिकमेंड होता है। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि मिनोक्सिडिल को हमको जो यूज़ करना है वो कैसे और कब तक यूज़ करना है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत लोग को ये लगता है कि लाइफ लॉन्ग है और इसका एडिक्शन हो जाता है, या जैसे आप मिनोक्सिडिल छोड़ोगे तो आपको और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये कुछ हद तक बात सही भी है एंड एक्चुअली काफ़ी, लेकिन इसके बारे में काफ़ी केओस और काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं लोग इसको लेके। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा पहली बात कि हेयर ट्रीटमेंट क्या होता है। सो कोई भी किस्म का हेयर ट्रीटमेंट कराएं, चाहे आप मिनोक्सिडिल बेस कराएं या कोई दूसरी थेरेपी करें, हेयर ट्रीटमेंट जब एक बार हेयर डैमेज हो जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल उसको वापस आप रिवर्स कर सको, बिकॉज जो डैमेज एक बार हो गया वो परमानेंट है। हम डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, हम डैमेज को इवन रीग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हम उसको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। सो इस वजह से आपको जब भी आप हेयर फॉल आपको होता है तो आप जब उसको कोई भी थेरेपी करते हैं तो उसके बाद आपको उसको एक मेंटेनेंस देना पड़ता है, सो ताकि आपका जब तक आपको बाल चाहिए। सो प्राइमरीली जो हम मिनोक्सिडिल के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसको मेंटेनेंस फेज में आगे जाके शिफ्ट करते हैं, बट इनिशियली फर्स्ट अराउंड 6 to 8 months एंड इन सर्टेन केसेज इवन 1 year आपका इंटेंसिव फेज रहता है, जिसके ड्यूरेशन में आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना है। नाउ एज कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स, इसके एज इट इज़ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं एज लॉन्ग एज आप इसको प्रॉपर जिस तरह से प्रिस्क्राइब हो रहा है उस मैनर में आप लगाओ। काफ़ी लोग जो होते हैं, जैसे हम ऑयल लगाते हैं तो हम पूरे से हाथ में बहुत सारा ऑयल लेके लगाते हैं, 10 ml 15 ml ऐसे भी लेते हैं, तो वैसे नहीं लगाना होता मिनोक्सिडिल को। तो मिनोक्सिडिल का एप्लीकेशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आप ले रहे हैं, कितना वॉल्यूम आप ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कारण हम जो है इसको आपको जब भी एप्लीकेट मिलता है तो उसके साथ में एप्लीकेटर के साथ मिलता है, तो एक स्प्रे एप्लीकेटर होता है और एक ड्रॉपर रहता है। नाउ कॉमनली पीपल आपके ऊपर है आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, पर अगर आप स्प्रे एप्लीकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो रफली अराउंड 5 sprays होता है 1 ml जितना, बट अदरवाइज जो उसका रिकमेंडेड डोजेज है वो एट ए टाइम 1 ml होता है। तो 1 ml जितना आपको लगाना है आपके स्कैल्प पे, जहाँ जहाँ पे हेयर डेंसिटीज कम है, जहाँ जहाँ बाल कम दिख रहे हैं आपको, वो जगहों पे आपको लगाना है एंड लगा के अच्छे से मसाज करना है। नाउ मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि क्या किस तरह से लगा वो निकालना होता है एंड एवरीथिंग प्रॉपर, वो सबको बताऊंगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखना कि जब भी आप मिनोक्सिडिल लगाएं तो लगाने के बाद इसको तुरंत आपको लेटना नहीं, तो इसको लगाना कब है ये दूसरा बड़ा सवाल आता है अक्सर। सो लगाना आपको इसको है जब भी रात में सोने से पहले अराउंड 2-3 घंटे पहले आप इसको अपने बाल में लगाएं, लेकिन लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि बाल में कोई डर्ट डस्ट ऐसा कुछ भी ना हो, बाल क्लियर रहे और गीले ना रहे, सूखे रहे। और आपको ये लेना है ड्रॉपर से या स्प्रे से और जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से मसाज करना है, रब करना है तब तक जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए, बिकॉज अगर ये आप बैठ रहा और आप लेट गए तो आपके पिलो कवर्स पे स्टेन आ जाएंगे, आपके बेडशीट पे स्टेन आ सकते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए आपको इसको लगाने के बाद ड्राई होने के लिए वेट करना है। एंड इसके अलावा इसके और से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जो आपको वरी करने की ज़रूरत है एज लॉन्ग एज आप इसको प्रिस्क्राइब डोजेज में यूज़ करें। तो नाउ आई विल जस्ट शो यू कि ये कैसा रहता है। तो ये आपको पैक के अंदर ये बॉटल मिलता है एंड एक ड्रॉपर मिलता है एंड एक स्प्रे एप्लीकेटर मिलता है।
सो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस यू कैन यूज वॉट एवर इज यू नो सूटेबल फॉर यू. सो अगर आप स्प्रे एप्लीकेटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये बस ऐसे वो करके इसमें एक बार कनेक्ट करना है एंड देन स्प्रे इज रेडी. सो नाउ व्हेरेवर व्हिच एवर एरियाज यू हैव टू अप्लाई यू जस्ट पुल इट अप ओवर देयर फाइंड द पैच एंड वहाँ पे स्प्रे करना है. स्प्रे करके जेंटली मसाज करना है, बहुत ऐसा रिगोरसली रब नहीं करना है, आपको जेंटली मसाज करना है ताकि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके. बिकॉज जब हम मसाज करते हैं तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स की जो रूट्स होती हैं ये स्टिमुलेट होती हैं एंड बेटर रिस्पॉन्ड करती हैं. एडवाइजेबल होता है कि आफ्टर एवरी मिनोक्सिडिल एप्लीकेशन आप अगर आपके पास कंघी हो स्पेशली जो वाइट टूथ कॉम्ब होती है वो अगर आपके पास है तो आप उससे हल्के हाथ से पूरे सर में कॉम्ब करें तो वो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी हेयर रूट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है. अच्छा तो ये था स्प्रे एप्लीकेटर. नाउ अभी हम ड्रॉपर कप में आपको एक बार शो कर देता हूँ. सो दिस इज द ड्रॉपर. इस पे जैसा आप देख सकते हैं इसमें ग्रेडिंग्स भी दी 0.5 ml एंड 1 ml की. तो ये आपको इसमें लेना है, प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा. नाउ जहां जहां लगाना है वहां वहां आप ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप लगाना है. ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा दबा दिया, ड्रॉप वाइज लगाना है. ठीक है तो जब ड्रॉपर एप्लीकेटर आप यूज कर रहे हैं तो आपको अगेन सेम वे में पहले पार्ट कीजिए, वहां पे लगाइए ड्रॉपर एंड देन जेंटली मसाज. तो दिस थिंग यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस एटलीस्ट 6 से 8 महीने के लिए. एंड जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपको रफली 3 से 4 महीनों में आपको रिजल्ट शो दिखना स्टार्ट हो जाता है. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता जो क्विक रिजल्ट देता है व्हेन इट कम्स टू हेयर ट्रीटमेंट, बिकॉज हेयर इटसेल्फ ग्रो होने में टाइम लगता है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेयर ट्रीटमेंट में आपको रेगुलर होना है. अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, अगर आप डेली नहीं यूज़ करेंगे जिस तरह रिकमेंडेड है, देन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली यूज़ करें प्रोडक्ट्स को एंड जो भी रिकमेंडेड है उस हिसाब से. एंड इन केस अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है यूज़ करने में या कोई आपको साइड इफेक्ट हो रहा है या अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, यूजुअली इरिटेशन नहीं होगा बिकॉज ये मिनोक्सिडिल जो है ये अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल है, ये अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल नहीं है. जो नॉर्मली जो ड्राइनेस एंड इचीनेस होती है वो अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल होती है, दिस इज एन अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल. इसमें इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं. बट इवन इनकेस ऐसा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड अगर और भी कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस हो या अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए एडिशनल या इफ़ यू वांट सम मी टू टॉक ऑन सम अदर टॉपिक, यू कैन लीव द मैसेज डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन एंड आई विल गेट बैक, ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे गेट ऑल्सो द राइट इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट मिनोक्सिडिल यूसेज. थैंक यू.